हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम कराची हलवा बनाएंगे। कराची हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 100 ग्राम अरारोट, 1/2 लीटर पानी डालकर मिला लेंगे और डालते ही इसे मिला लेंगे। अब इसका बहुत पतला घोल बनाएंगे। देखिए, हमें इसका इतना ही पतला घोल बनाना है और इसमें बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ने चाहिए। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे। अब इसमें 1 कप चीनी, 1 कप पानी डालकर मिला लेंगे। हमें सिर्फ चीनी को पानी में मेल्ट ही करना है। चाशनी को ज्यादा चिपचिपा नहीं बनाएंगे और इसे बस 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। अब एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे और उसे घी से चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब चाशनी को देख लेते हैं। देखिए, चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। अब इसमें फूड कलर डालेंगे। आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। चाशनी में उबाल आ चुका है। अब घोल को देख लेते हैं। इसे थोड़ा चला लेंगे क्योंकि अरारोट नीचे बैठ जाता है। अब घोल को कढ़ाई में डाल देंगे। सारा घोल एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और साथ ही साथ चलाते रहेंगे और गैस को भी धीमी कर देंगे। देखिए, गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालकर मिला लेंगे। ध्यान रहे, हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे वरना इसमें ढेले पड़ सकते हैं और ये खराब हो सकता है। अब इसमें दोबारा से 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और मिला लेंगे।
अब इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर और खरबूजे के बीज डालकर मिला लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। देखिए काफी ठीक हो चुका है। हमने इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये स्मूथ बने और इसमें कोई भी ढीले ना पड़ जाए। देखिए कढ़ाई को छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट पर निकाल देंगे। अब इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे अच्छे से ठंडा हो जाए। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे काट लेंगे। दूसरी साइड से भी काट लेंगे। अब इसे निकाल कर एक सर्विंग प्लेट पर रख देंगे। कराची हलवा बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे दिवाली या भाई दूज पर इजीली बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।